होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छे तरीके से आप सभी लोग अपना एग्जाम के लिए बेस्ट प्रिपरेशन कर रहे होंगे, अपना बेस्ट जो है दे रहे होंगे, अपने मम्मी पापा को बेस्ट डे जो है गिफ्ट करने के लिए आप लगे हुए होंगे। तो भाई इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्लीट मैथ्स की स्ट्रेटजी के बारे में, जो कि देखो मैथ्स भाई हम साल भर मैथ्स पढ़ाते तो कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस हम आपके लिए वो काम आने वाले, ठीक है। लेकिन जो चीजें स्ट्रेटजी मैं बताने वाला हूं, जो चीजें बोर्ड पे लिखने वाला हूं, वो आपके कॉपी में आपके पूरा का पूरा प्लान सीट होना चाहिए। जैसे कि आपने हिंदी का बनाए थे, मैथ्स का बनाए थे, सॉरी इंग्लिश का बनाए थे कि मुझे हाँ ये ऐसे करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना बनाए रखे थे ना प्लान सीट, तो वो प्लान सीट बनाना बहुत जरूरी। इसमें मैं नंबर वाइज एग्जैक्ट कौन से क्वेश्चन में आएगा वो चीजें बताने वाला हूं। तो महामुकाबला गणित के साथ देखने वाले हम लोग भाई, क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करूंगा सीधा सीधा, क्वेश्चन नंबर 18 एकदम पीछे से, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 एकदम पीछे से चालू कर रहा हूं कि एकदम सबसे लास्ट क्वेश्चन आपका कौन सा होने वाला है, एकदम कंफर्म वाली, ठीक है। बिल्कुल ऐसा भी नहीं कि यूं ही हवे में बोल रहा है, एकदम कंफर्म है, मतलब कंफर्म है। मैथ्स मींस इजी, बस ये मान के चलो। देखना कईयों बच्चों का कमेंट आएगा मैथ्स मींस इजी 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 सब, क्योंकि सो इजी है, ठीक। तो देखिए तो चलो यहां पर क्वेश्चन नंबर 18 पे बात करें तो ये कौन से पार्ट का आएगा, कौन सा प्रश्न आएगा ये भी बताते चलता हूं। ये भाई अध्याय 10 का आएगा, ठीक है, कौन सा आएगा अध्याय 10 का, सिर्फ और सिर्फ उन्नयन कोण पढ़ के जाएंगे, उन्नयन कोण वाला टॉपिक, ठीक है, वो टूटा हुआ वाला पेड़ वाला ये वो करके हम एक और प्रश्न आएगा 6 नंबर वाला, क्योंकि दो ठो आता है। तो यहां के लिए आपको अध्याय कौन सा भाई, एक कोई पर्टिकुलर अध्याय नहीं है, चैप्टर नंबर 2 से 3 से 4 से ये इसमें आ सकता है। तो कौन सी क्वेश्चन आएगा भाई, अगर क्रमांक 16 का जो कि एकदम कंफर्म है, मतलब कंफर्म है, नोट कर लो, वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपका। क्या पूछे जाएंगे भाई, अंतःवृत्त, ठीक है, कौन सा अंतःवृत्त, और इसके अथवा में आएगा भाई कौन सा परिवृत्त, ठीक है, परिवृत्त आएगा, या बोल सकते हैं आपका आएगा समरूप त्रिभुज। ये में जो कंफर्म जो है क्या आएगा, आयकर की गणना, तो वो आयकर की गणना करना सीख जाते हैं। 7 के अध्याय 7 में आप सिर्फ आलेख बना लो, आलेख कंफर्म है कि एक आलेख आना ही है। और 12 की बात करें तो आप यहां से बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकते, तो भाई प्रमेय पढ़ लो ना, प्रमेय पढ़ के रखो, इसमें से प्रमेय 1 और 9 को। अगला जो है हमारा 4 नंबर की क्वेश्चंस की बात करें तो वो आएगा अध्याय कौन सा, 16 का, जो एकदम कंफर्म वाला है, उसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। क्या है भाई वो, माध्यिका बनाना सीख जाओ, कहां से भाई 10 से प्रश्न, 9 से प्रश्न, 8 प्रश्न, 7, ये 4 क्वेश्चन ना 3 मार्क्स वाला होता है। 3 कौन सा है, अध्याय 14 पढ़ना है भाई, अध्याय 14 से एक कंफर्म क्वेश्चन पूछे जाएगा कि जो है इस तरीका से 2k+7 है ना, 3n+6 में भी ऐसा ऐसा क्वेश्चन, वो एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा 3 नंबर की अगर हम बात करें तो वो कौन से चैप्टर से पूछे जाएंगे भाई, अध्याय 15 का, अध्याय 15 में, जैसे कि यहां पर भी फॉर्मूला पूरा करना पड़ेगा वही बेलन शंकु वाला, ठीक है। तो यहां पर प्रश्न 2 छठवा कंफर्म की अगर हम बात करें तो वो आपको पूछेंगे अध्याय कौन सा भाई, 6 से, 6 से कौन सा टॉपिक करना है भैया, सिर्फ दूरी पढ़ लो। और कन्फर्म की मैं बात कर रहा हूं ना, बहुत है इधर उधर नहीं ले जा रहा आपको, कन्फर्म की बात कर रहा हूं कि अध्याय 16 में जब जाओगे, अध्याय 16 की अगर बात करें तो वहां पर आपको माध्य ज्ञात करने वाला, माध्य, माध्यिका और बहुलक, अध्याय 9 पे जाना है, ठीक है। अध्याय 9 की बात करो तो पूरक सूत्र वाला जो क्वेश्चन है वो,
खासकर मतलब प्रश्न वाली नंबर तीन की जो बटा वाली क्वेश्चन होती है ना, टू कॉस बटा में थ्री साइन, ऐसा कुछ भी नंबर कॉस साइन की बटा में रहेगी, तो वो पूरक सूत्र वाला क्वेश्चन है, वही आपको पूछे जा सकते इसमें। या आपको ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रही तो मॉडल पेपर की क्वेश्चन यहां से कर लो, लेकिन करो अंडरस्टैंड तो ये कर लेना। तो देखो ये दो क्वेश्चन तो एकदम कन्फर्म होती है, बट यहाँ की क्वेश्चंस की अगर बात करें तो वो थोड़ी सी आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल, थोड़ी सी थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत लगेगा यहाँ पर भी, क्योंकि इसके लिए आपको फिर से वही आपको कहाँ पर जाना पड़ेगा, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 में से पूछा जा सकता है। ठीक है, अल्टरनेट उसको चेंज करके, तो ये देखो इस तरीके से होगा। तो जो कंफर्म है एटलीस्ट उन चीजों को करते चलो, मैथ से इजी है ऐसा हम सामाजिक विज्ञान में तो उठाकर नहीं बोल सकते, ऐसा लिखवाना बहुत मुश्किल, सामाजिक विज्ञान में हालत खराब हो जाएगी। जो ही टीचर एकदम बहुत मेहनत से ईमानदारी के साथ पढ़ाते हैं ना कंटिन्यूसली, उनको पता होगा एग्जैक्ट कि क्या आता है, एकदम लगातार लगे हुए बच्चों के लिए, बेहतरी के लिए, बेहतर करने के लिए, उनको एग्जैक्ट पता होती। अब देखते हैं हम नेक्स्ट सब्जेक्ट साइंस की है, सोशल साइंस, उसमें भी ये सब चीजें करने की कोशिश करेंगे। नहीं, फिर मिलते हैं हम आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।